सो हेलो गाइस, एसएससी जेई 2023 के जीएस एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल या सिविल, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल सिविल, क्योंकि जीएस बेसिकली सेम सभी के लिए होती है, ठीक है, इसमें कोई अलग तो रहता नहीं। तो यहाँ पे बात करते हैं जीएस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आपका हिस्ट्री है, ठीक है, पॉलिटी है, उसके बाद से ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, बट इकोनॉमिक्स में इतना ज़्यादा वेटेज है नहीं, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है, ठीक है, उसके बाद से कंप्यूटर भी है, उसके बाद से बात करते हैं कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर के बाद आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर है, ये सब चीज़ें आपकी स्टैटिक जीके भी अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका वेरिएशन देखने को मिला एसएससी जेई में 2023 को, जो हम लोग को वेरिएशन देखने को मिला है वो क्या देखने को मिला है, जो करंट आपका है वो 2 साल पहले का पूछ रहा है, 2 साल पहले का पूछ रहा है। और स्टैटिक जीके में तो क्वेश्चन है ही, क्वेश्चन को आपको इस टॉपिक से मिला के रिलेट करके क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ चीज़ें हैं ठीक आ रही हैं, जैसे साइंस वगैरह का वेटेज उसका गिर गया था, साइंस में काफ़ी बहुत कम क्वेश्चन आए थे, बट ये 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले यहाँ पे। पॉलिटी से थे 2-3 क्वेश्चन, पॉलिटी थे 2-3 क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर्स से आपके थे 12 से 15 क्वेश्चन। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉलिटी में 2 से 3 क्वेश्चन, करंट अफेयर में 12 से 15, और साइंस में 7 से 8 क्वेश्चन, मतलब कि 11, 5, 16, 10, 26, ठीक है। उसके बाद से कंप्यूटर से, कंप्यूटर से 1 से 2 क्वेश्चन था, 1 से 2 क्वेश्चन, और हिस्ट्री से वही 2 से 3 क्वेश्चन, सॉरी पॉलिटी से करीब 5 से 8 क्वेश्चन थे। तो 8, 8, 16, 3, 19, 2, 21, 5, 21, 5, 26, 10, 36, 36 यहाँ हुए। उसके बाद से बात करें और क्वेश्चन थे आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड थे क्वेश्चन, ज्योग्राफी के थे वही 7 से 8। उसके बाद से स्टैटिक के क्वेश्चन थे, इसके थे वही 5 से 6 क्वेश्चन। तो ओवरऑल आपका ये था, इसलिए अटेम्प्ट बहुत कम था इस बार का, अटेम्प्ट बहुत कम हुआ क्वेश्चन का, मैक्सिमम बहुत टॉपर जो होगा वो 30 to 35 अटेम्प्ट किया होगा, बाकी एवरेज की बात करें जो अटेम्प्ट हुए, एवरेज में अटेम्प्ट क्वेश्चन हुए हैं वो थे आपके 15 से 20 क्वेश्चन, जिसमें से करेक्ट हुए आपके करीब 13 या 14, जिसकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ इस बार कम गई, खासकर कि इलेक्ट्रिकल की तो बहुत कम गई, फिर भी मतलब कि रॉ मार्क्स बहुत ज़्यादा उनके जो है उनके बढ़ गए मार्क्स, ठीक है, लेकिन वही मैकेनिकल के नहीं बढ़े, मैकेनिकल के ज़्यादा आने के बावजूद भी कम हो गए, क्योंकि मैकेनिकल की शिफ्ट टफ थी, ऐसी बात नहीं। तो शिफ्ट वाइज बात करें तो 9 तारीख को जो पेपर आया था वो भी मतलब कि उसमें भी जीएस जो है 9 अक्टूबर वाला जो शिफ्ट थी उसमें भी पेपर जो आप लोगों का था वो बिल्कुल मतलब कि मॉडरेट था, और जो है 11 वाले तारीख को भी 11 को भी
वो मॉडरेट था, और बाकी सभी में बात करें जो इलेक्ट्रिकल और सिविल की बात करें, अगर 9, 10 और 11 की बात करें तो इसमें भी ये लोग का शिफ्ट भी वही मॉडरेट था, फिर भी मतलब कह सकते हैं मतलब कि इजी टू मॉडरेट इसमें था, बट मैकेनिकल में बिल्कुल मॉडरेट टू हार्ड था इसमें कह सकते हैं, क्योंकि करंट जो पूछा था वो उनका पूछा था करीब 2 साल से 3 साल पहले का, तो इस बार जो प्रिपेयर करना है तो आपको करीब 4 साल का करंट अफेयर मतलब पहले से पढ़ना पहले का, ये है आप लोग का, और इसी अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। लूसेंट वगैरह से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो है जो भी चीज़ें हैं बस सिलेबस में उसको पढ़िए, सिलेबस को पढ़िए बस, लूसेंट कोई किताब वताब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली लूसेंट सिलेबस थोड़ी पढ़िए उसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन वोश्चन कुछ ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई पीडीएफ वगैरह मिले लगा लो बस।